तो चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 9th के नेक्स्ट पार्ट पर। आज मैं आपको कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 12, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का नेक्स्ट पार्ट। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो इस चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है, ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक कीजिए अगर पसंद आती है वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। ऑन ए पार्टिकुलर डे द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन ए टेरेस 6 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर ब्रॉड इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, टेरेस मीन्स छत है यहाँ पर, जिसकी लंबाई है 6 मीटर लॉन्ग और 5 मीटर ब्रॉड, यानी ब्रेथ है ये। ठीक है, उस दिन एक दिन ये देखा गया कि जो वर्षा हुई है, बारिश हुई है, रेन हुई है, वो 15 सेंटीमीटर तक रेन हुई है, यानी उसमें जो उसकी हाइट रहेगी वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आगे कहा द फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन द टेरिस। तो टेरिस पर कितना वाटर आया है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, मैंने कई बार बताया है अगर किसी चीज़ के अंदर कोई वस्तु आती है तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखो, यहाँ पर लेंथ लिखी हुई है, ये ब्रेथ लिखी हुई है, और ये समझो ये हाइट है। तो यहाँ पर ये जो हाइट गिवन है बच्चों, इसको मैं ये सेंटीमीटर में है, और लेंथ और ब्रेथ है मीटर में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 15 बाई 100, और या आप लिख सकते हैं यहाँ 20 है ना, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, अब ये बन गए मीटर। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम से ही हमें मालूम होगा कि कितनी रेन हुई है। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, क्योंकि क्यूबॉइड हो गई, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम। ठीक है, आइए देखो, सिक्स यहाँ पर 6 5 जा कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, ये 30 हो गया, और यहाँ पर तो पहले आप ना 15 से 3 को मल्टीप्लाई कर लो तो 45 आ जाएगा। यहाँ पर 10 तो 10 लगा दीजिए, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, यानी ये या आ गया 4.5 मीटर क्यूब। इतनी क्या हुई, ये रेन हुई है उसके अंदर। अब अगर आप चाहें तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और 4.5 मीटर क्यूब क्या होगा, तो इसको 4.5 को आप 1000 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 5 और यहाँ पर 30 30 आप लगा दीजिए, अब ये बन गए लीटर। लेकिन यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आपको 1 के बाद लगाना पड़ेगा, यानी 4500 लीटर। ये बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं इस तरीके से, लीटर्स आ गया, ये आ गया। अगर आपको यहीं तक पूछा तो यहीं तक निकाल लीजिए, लीटर में कन्वर्ट करना तो इस तरीके से कर लेना। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या कहता है, इफ ए वन ए टू ए थ्री डिनोट द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेज ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है उसके जो लगातार 3 फेस हैं उनका यहाँ एरिया ए वन ए टू ए थ्री में दिखाया गया है। ठीक है, और देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों देखो, एरिया क्या होता है, मान लीजिए ए वन का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, यही होगा, और अगर ए टू का निकाले तो फिर क्या होता है, ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अगर सेकेंड फेस का निकाले और थर्ड फेस का निकाले तो हाइट इंटू क्या होगा, यहाँ पर लेंथ होता है। ठीक है, इस तरीके से ये स्मॉल बी बना लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये एल और ये बी। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों देखो, यहाँ पर ये एरिया गिवन है, अब हमें फाइंड आउट करनी है क्या, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। अगर ये एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है, अगर मान लीजिए मैं इसको इसको हम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने लिख लिया, तो जो इनका सरफेस एरिया है, मीन्स एरिया है, वो भी क्या होगा, मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। सॉरी, मैं इसमें कर देता हूँ एल इंटू बी, और यहाँ पर बी इंटू एच, और इंटू एच इंटू एल, इस तरीके से। भाई हमने ये सरफे जो एरिया गिवन था इसको हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया है, तो इधर भी मल्टीप्लाई में ही आएगा। आप देखिए यहाँ पर L 2 टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख लीजिए A1
ए टू, ये जो डॉट लगा रहा हूँ ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, या आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। तो एल स्क्वेयर, बी स्क्वेयर और एच स्क्वेयर, यही तो है, टू टाइम्स है, या हम इसको लिख सकते हैं एल बी और एच, ठीक है, होल स्क्वेयर लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी हो, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी हो यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें फाइंड आउट करनी, तो क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, यही होता है, यही तो होता है जो दिया हुआ इसमें। तो आप क्या करेंगे, देखो ये वॉल्यूम के इक्वल है, इस टू को आप इधर ले आए, ये इधर स्क्वेयर है, इधर आकर ये स्क्वेयर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, एल बी एच इस तरीके से, और यहाँ पर ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री, ठीक है, यहाँ पर स्क्वेयर था ना, इस स्क्वेयर को हटाकर इधर इक्वल के साइन से इधर लेके आएंगे, स्क्वेयर रूट में हो जाएगा एल बी एच। ये क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितनी आ गई, ये आ गई है, ये आपका आंसर रहेगा, और इस तरीके से आपको ये करना है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो ये देखो यहाँ पर, आइए रीड कर लेते हैं। इफ एल इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब की डायगोनल, जो क्यूब है उसके डायगोनल की लेंथ है एल, ठीक है, वॉल्यूम वी, जिसका वॉल्यूम क्या है, वी है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन एल एंड वी, एल एंड वी के बीच में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर बच्चों एल गिवन है, ये क्या है, लेंथ है डायगोनल की, लेकिन लेंथ क्या होती है, क्यूब की जो लेंथ, सॉरी क्यूब का जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ क्या होती है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या होगा, रूट थ्री ए, ये होगा बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो रूट थ्री इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ए के साथ, तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर वो डिवाइड में हो जाएगा इस तरीके से, आप ये देखो, ठीक है। अब ये ए के इक्वल आ गया, ए मीन्स साइड होता है, ठीक है, जो क्यूब क्यूब की साइड है वो एल बाय रूट थ्री आ गई, ठीक है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा फॉर्मूला, तो जो साइड होती है उसको थ्री टाइम्स लिखते हैं, एल रूट थ्री, ठीक है, साइड इंटू साइड होता है, तो साइड तो हमारी यही आई है ना, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, ये वॉल्यूम आ गई। अब बच्चों देखो यहाँ पर एल इंटू एल इंटू एल, यानी कि एल की पावर थ्री हो गया, और रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते तो थ्री आ जाएगा, और यहाँ पर रूट बचा इस तरीके से, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर पूछा है कि एल और वी में रिलेशन आपको बताना है, ये तो आ गया आपका वॉल्यूम आ गया बच्चों, ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, और हमारी जो एल है लेंथ, ये जो एल दिया हुआ था डायगोनल ऑफ लेंथ, ठीक है, वो उसका हमें ये निकालना है। तो अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ, तो एल यहाँ पर एल लिख लीजिए, ठीक है, और ये एल की पावर थ्री, इस थ्री रूट थ्री को आप इधर ले आए, ठीक है, इक्वल के साइन से इधर इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से ये अब आ गया है, ठीक है, अब हम थ्री रूट थ्री को इधर ले आए, तो इधर क्या लिखा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी आपको इधर लिख देना है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, देखो इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, एल क्यूब और इक्वल थ्री रूट थ्री वी, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर बन गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कहा है, इफ वी इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये वॉल्यूम है बच्चों, क्यूबॉइड की वॉल्यूम है, डायमेंशन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड दी हुई है, एंड ए इज द सरफेस एरिया, फाइंड देन फाइंड ए बाई वी, ठीक है, ए बाई वी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो लेंथ है यहाँ पर, ये डायमेंशन गिवन है, एक्स वाई जेड यही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो इनके बीच में मैंने मल्टीप्लाई नहीं लगाया, मल्टीप्लाई ना भी लगाए तो भी ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये तो आ गई वॉल्यूम आ गई। अब निकालना है सरफेस एरिया, ए क्या है सरफेस एरिया, वी क्या है वॉल्यूम है,
तो इसकी जगह देखो जो मैंने लिखा ना, सॉरी यहाँ पर ये वॉल्यूम, इसकी जगह आप चाहे तो खाली वी भी लिख देना, ठीक है। अब सरफेस एरिया जो ए में दिखाया गया है उसको लिख लेते। सरफेस एरिया क्या होता है, टू, ठीक है, ये होता है, और एल बी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो जो जेड है इसमें, सॉरी जेड है इसमें, और प्लस हाइट इंटू लेंथ, लेंथ क्या है एक्स है, इस तरीके से। तो ये आ गया, ठीक है, ये ए आ गया, फॉर्मूला तो यही होता है ना। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है ए बाई वी, और ए क्या है ये, तो इसको हम लिखेंगे ऊपर। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, इस तरीके से, ठीक है, बाई वी, और ये वी है, वी आया हमारा एक्स वाई जेड, इस तरीके से। अब आपको मैं आपको बताता हूँ, ये एक्स वाई जेड ना आप सबके नीचे मान लीजिए, टू यहाँ पर ये देखो एक्स वाई, इसके नीचे भी हम एक्स वाई जेड ले लेते हैं, प्लस का साइन वाई जेड है, तो वाई जेड के नीचे भी हम एक्स वाई जेड ले लेंगे, और प्लस जेड एक्स है तो इसके नीचे भी हम एक्स वाई जेड ले लेते हैं। अब यहाँ पर जेड एक्स है, जेड एक्स, जेड एक्स से जेड एक्स कट गया, वन बच गया इधर, वाई जेड है तो वाई जेड से वाई जेड कट गया, वन बच गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो वन बच गया। तो यही आपका आंसर होगा, मैं आपको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वन बाई क्या बचा, जेड, और प्लस वन बाई एक्स और वन बाई वाई, ये आपका आंसर रहेगा, यही ए बाई वी की वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस पार्ट का। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर, यानी लेंथ गिवन है, ठीक है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। भाई ऊपर से देखेंगे हाइट, नीचे से देखें तो, सॉरी, ऊपर से देखे तो डेप्थ होती है, नीचे से देखे तो हाइट बनती है, तो डेप्थ और हाइट एक ही होती हैं, और इनका सम कितना है, ये है 20, ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। आगे लिखा है एंड इट्स डायगोनल इज 5√5, ये डायगोनल है, और डायगोनल क्यूबोर्ड का डायगोनल क्या होता है बच्चों, मैं इधर लिख लेता हूँ, फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर देखो, ये एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है, याद रखना, ये डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है क्यूबोर्ड में, ठीक है, और ये गिवन है 5√5, तो दोनों इक्वल हो गए भाई, ये गिवन है, ये फॉर्मूला होता है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर दोनों टर्म का आपको स्क्वेयर कर देना है, ये स्क्वेयर का साइन हटाने के लिए। अब ये स्क्वेयर के साइन से स्क्वेयर का साइन कट गया, स्क्वेयर से स्क्वेयर का साइन कट गया, यहाँ पर रहा एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, और इक्वल है, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5, और रूट 5 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 25, 5 जो होता है 125, ठीक है, ये आपका आ गया है इधर। अब एक चीज़ याद रखने वाली बात ये है बच्चों, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये जो हमने लिया था, ये जो इसमें गिवन है एल प्लस बी प्लस एच इक्वल 20, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों टर्म में स्क्वेयर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वेयर कर देना है आपको, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वेयर इक्वल 20 स्क्वेयर। तो ए प्लस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, ये होता है ए, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर इक्वल होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab और प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से इक्वल होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैंने छोटा सा लिख दिया है, इसको आप देख लेना। तो ये फॉर्मूला आपके बुक्स में भी मिल जाएगा, तो हम इसी फॉर्मूले पे लिखने वाले हैं, a प्लस बी प्लस सी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वेयर यानी एल स्क्वेयर, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर, बी क्या है हमारा, यहाँ पर बी तो बी है, तो हम इधर लिख देते हैं बी स्क्वेयर और एच स्क्वेयर, इस तरीके से, ठीक है, और प्लस यहाँ पर ये देखो 2ab, तो 2 को हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर इसी भी है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया ab, ab का मतलब lb, और फिर है bc, bc का मतलब bh, और ca का मतलब होता है hl, इस तरीके से ये हमने ले लिया। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर बच्चों देखो, ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, मैं इधर लिख देता हूँ,
इधर लिख देता हूँ मैं, ये देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये इक्वल होता है एल प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर के इक्वल होता है ये फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना ये इक्वल होगा इसके। तो यहाँ पर एल प्लस बी प्लस एच स्क्वायर इक्वल आ रहा है 20 स्क्वायर के, तो इसकी जगह हम 20 स्क्वायर कर सकते हैं। तो 20 का स्क्वायर होता है बच्चों 400 इक्वल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इक्वल आ रहा है देखो यहाँ पर किसके, 125 के, तो इसकी जगह 125 लिखा जा सकता है, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 2 और ये फिर मैं एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, ठीक है, ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हमें फाइंड आउट करना था, तो इधर जगह कम है मैं इधर बता देता हूँ, देखो 2 LB प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, छोटा सा लिख रहा हूँ मैं इक्वल। अब यहाँ पे 400 है, 400 और ये 125 पे है, तो 125 पे इधर आकर ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस कर देते हैं। तो माइनस किया तो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 2 माइनस किया 7, यहाँ पे रह गया 3, 3 में से 1 माइनस किया 2, तो 275 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों कोई भी दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।